प्रॉस्पेक्ट लीगल के इस यूट्यूब चैनल में मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे ई पास टोकन अगर ब्लॉक हो जाए लगातार 10 बार गलत पासवर्ड डालने से तो उसको कैसे अनब्लॉक किया जा सकता है। ई पास टोकन दो वर्जनों में आता है, वर्जन 1.0 एंड वर्जन 2.0। आज हम डिस्कस करेंगे वर्जन 1.0 को कैसे अनब्लॉक किया जाता है। वर्जन 1.0 को अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपका ई पास टोकन वर्जन 1.0 का है। उसके लिए आप जाइए इस जगह पे, जाके ई पास टोकन के इस आइकॉन को क्लिक कीजिए और नीचे आके सेकेंड विंडो में नीचे वाले में देखिए ये वर्जन 1.0 है। अब हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अभी इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है इस कंप्यूटर में ई पास के, उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, और यहाँ से ई पास टोकन के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे। हो सकता है आपका ई पास टोकन का ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका हो, इसीलिए हम इस टोकन के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अब हम माय कंप्यूटर में जाएंगे, क्योंकि मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं जिस पीसी में जाऊँगा, यहाँ एक ड्राइव है सीडी ड्राइव 2003, इसमें क्लिक करेंगे और इसका जो सेटअप फाइल है थर्ड नंबर का उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ यस करेंगे, यहाँ लैंग्वेज में सिलेक्ट करेंगे यस, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन फोल्डर वही रहने देंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ प्राइवेट CSP सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं करेंगे सिलेक्ट। ये आपका टोकन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हम वेबसाइट ओपन करेंगे prospectdigital.co.in। prospectdigital.co.in के अंदर हम जाएंगे आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में अनब्लॉक ई पास 2003 टोकन एंड अनब्लॉक ई पास 2003 टोकन वर्जन 1.0, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे देखेंगे अनब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। ये एक जिप फाइल है तो इसके फोल्डर में जाएंगे हम, फोल्डर में जाने के बाद इसको अनजिप करेंगे, अनजिप करने के बाद इस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आपको अनब्लॉकिंग एडमिन सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। इसी एडमिन सॉफ्टवेयर मैनेजर जो है सॉफ्टवेयर, इसी सॉफ्टवेयर से हम लोग ई पास टोकन को अनब्लॉक करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा सॉफ्ट जो टोकन है वो ब्लॉक्ड है कि नहीं है। हमने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए यूजर हैज बिन लॉक्ड। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे हम, ओपन करने के बाद यहाँ पे भी देखेंगे ये सॉफ्टवेयर लॉक है कि नहीं, ये लॉक है गारंटेड। अब जाएंगे नीचे, देखिए ये होम स्क्रीन आएगा जब भी आप ये मैनेजर को ओपन करेंगे PKI मैनेजर, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, सेकेंड पेज में अनब्लॉक लिखा है, अनब्लॉक में क्लिक करेंगे, एसओ पिन डालेंगे, इसका एसओ पिन हमने यहाँ लिख के रखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ENTERSAFE, यहाँ पे डालेंगे ENTERSAFE और यहाँ पे पिन डालेंगे नया जो भी हमें डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको ओके करेंगे। देखिए अनलॉकिंग सक्सेसफुल सक्सीडेड टू कंटिन्यू प्लीज लॉग इन अगेन। तो अब हम यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। देखिए आपका ये ई पास टोकन लॉग इन हो गया, से भी हम देख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने नया पासवर्ड डाला था। तो इस टाइप से हम ई पास 2003 टोकन वर्जन 1.0 अनलॉक कर सकते हैं। अब इसमें 1.0 में कुछ ऐसे टोकन्स हो सकते हैं जो अनलॉक ना हो, जो कि 2018 और 19 को मैन्युफैक्चर हुए उस समय एसओ पिन जो है वो चेंज किया गया है और वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिस कारण से उनको अनलॉक नहीं किया जा सकता है। आप उसको अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो ऐसे में
आप उसको वर्जन 2.0 में अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद अनलॉक कर सकते हैं। और वैसे तो मुश्किल है अनलॉक करना उन सॉफ्टवेयर्स को, अगर आप इस प्रोसेस से वर्जन 1.0 अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नया एक टोकन और नया एक डिजिटल सिग्नेचर परचेज करने की ज़रूरत है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और से और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।